जितना आप रिस्पेक्ट देंगे लोगों को आपको उतना रिस्पेक्ट वापस मिलता है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है रिस्पेक्ट किसी की। एक एक का बैंड बजाने वाला हूँ। बिग बॉस का बवासीर वापस टीवी पे आ चुका है और यही सीजन होता है जिसमें ये चचा आपको पूरे भारत से एक नमूने उठा के आपके सामने रखते हैं। और इसी को देखकर हमारे कुछ जो घरेलू महिलाएं हैं वो सोचती है कि ये रियल होता है, या फिर कुछ घरेलू महिला पुरुष होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये रियल होता है और वो अपनी रातों की नींद और सुबह की चैन खराब करके पूरा इसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोके। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिग बॉस की तो ये टोटली होता है स्क्रिप्टेड। बिग बॉस ये मौका फेल करने वाला हूँ मैं। वैसे तो मेरा बिग बॉस से दूर दूर तक का नाता नहीं, क्योंकि मैं ऐसी बवासीर चीज़ देखता ही नहीं। और ये चचा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं भाते भैया। ये इनको कुछ एजुकेशनल या फिर कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने को नहीं मिलती टीवी पर। ये सिर्फ लोगों का दिमाग खराब करना जानते हैं और इसको लेके ये एक से एक नमूने आपके सामने उठा के रख देते हैं। कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई उल्टा है, कोई सीधा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको टीवी पे बवासीर फैलानी है, ये फैलाने के लिए आपको बिग बॉस हर सीजन में ला के उठा के दे देता है। लेकिन इस बार मेरे लिए कुछ नया था। इसमें आए थे हमारे लॉर्ड पुनीत। अब देखिए, गॉड और लॉर्ड हर कोई नहीं बन पाता, इसीलिए लॉर्ड पुनीत पहले बहुत स्ट्रगल करने के बाद लॉर्ड बने और उसके बाद इन्हें बिग बॉस ने इनवाइट करा और ये बिग बॉस में गए। आग लगा दे पुनीत सुपरस्टार ने, आग लगा दे। ये बंद कर सॉफ्टली, वही कर ले एक्टिंग। अरे तेरे कहने से चुपोंग मार के नहीं 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 नहीं। और देखिए, जो लॉर्ड होगा वो हमेशा हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाएगा और यही रिकॉर्ड बनाया हमारे पुनीत भाई ने इस बार। 12 घंटे से भी कम बिग बॉस में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने अपना बना दिया है। और अगर मैं बात करूँ तो 12 घंटे भी इनका बिग बॉस में रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुनीत की वजह से बिग बॉस ने बहुत ज़्यादा TRP उठा ली होगी। और अगर मैं बात करूँ चाटू जो होते हैं हमारे आसपास के जो दिख रहे होंगे यहाँ पे, और स्पेशली ये मोटा जो है इसमें, इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। और ऐसे हर सीजन में ऐसे अंकल को ला के इसमें रख देते हैं जिनका कोई तो सिर पैर ही नहीं होता, बिना पहनने के लोटे उन्हें जीव रख देते हैं। अब मैं बात करूँ पुनीत सुपरस्टार की, तो पुनीत सुपरस्टार अपने दम पर बने हैं और उनको जरूरत ही नहीं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म की, या फिर किसी की चाटने की, या फिर किसी के गुलामी करके किसी चैनल का बड़ाई करने की। तो जो बंदा स्ट्रगल करके इस लेवल पर पहुंचा होगा वो अपने तरीके से काम करेगा, जैसा उसका एटीट्यूड है, जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा उसका नेचर है, और जिस तरह से वो फेमस हुआ है वो आपको वहीं दिखाएगा। और यही किया हमारे पुनीत भाई ने, मतलब सलूट है इनके बकैती को। ये 5,000 है हमारे पास। अरे कोई दिक्कत बदले लूंगा ना, आप कंफ्यूज होगा की अभी खुन्नस से बात करें या नहीं। नहीं, खुन्नस से बात होगी, अब ऐसी ही बात होगी जब तक। और सबसे खतरनाक बात, जब इन्हें बिग बॉस ने घर से बाहर निकलने के लिए बोला तो इनका जो रिप्लाई था वो बहुत खतरनाक था, वो बहुत औसम था, वो बहुत ही औसम था। और आप पहले उनका ये रिप्लाई सुनिए। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। एडजस्ट नहीं वाला है और आग लगने वाली है, जैसे मीम्स में आग लगाई थी, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे आग लगाई थी, वैसे ही यहाँ आग लगाने वाला हूँ। पर अगर आप इनके 12 घंटे का जर्नी देखेंगे ना, मतलब जो भी इन्होंने बिग बॉस में बताया, तो आपको कहीं वहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि इनके सर में टेंशन होगी कि यार मुझे बिग बॉस में आगे जाना है, या फिर बिग बॉस जीतना है, या फिर मुझे बिग बॉस के अकॉर्डिंग काम करना है। इनका जो मन कर रहा था वही कर रहे थे और इसी वजह से हमारे लॉर्ड पुनीत फेमस हैं और यही काम इन्होंने बिग बॉस में किया। तो सैल्यूट इस बंदे को कि जो ऑफ स्क्रीन है वो ऑन स्क्रीन है और जो ऑन स्क्रीन है वो ऑफ स्क्रीन है। बाकी गधों की तरह ये अपने आप को चेंज करके नहीं दिखाते, या फिर बिग बॉस के रूल और कायदे इतना फॉलो नहीं करते कि वो अपने आपको इतना बदल के आपको अपनी सच्चाई छुपा के दिखाए। ये देखिए, तो फिलहाल जब लॉर्ड पुनीत बाहर हो ही गए हैं तो अब बिग बॉस देने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, लिटरली सच में मैंने भी अपना जियो वियो जो भी OTT था वो सारा मैंने हटा दिया है, क्योंकि इंटरटेनमेंट का सबसे बेस्ट जो उसमें सोर्स था वो हमारे पुनीत भाई ही थे। बाकी तो सारे नल्ले हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई फेमस नहीं है, कोई 2 सेकंड की वीडियो बना के फेमस हो रहा है, कोई कहीं बकैती करके आ रहा है, किसी का MMS लीक हो रहा है इसलिए वो बिग बॉस में आ रहा है। तो ऐसे घटिया लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। जो बंदा आपको हंसाता है आप उसी को सपोर्ट करें। और बिग बॉस जब बाहर हो गए तो बिग बॉस का कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि हाँ, बिग बॉस का TRP ऑलरेडी डाउन हो चुका होगा, क्योंकि लॉर्ड पुनीत जो 12 घंटे की मैं बात करूँ उसमें इनका जो वॉचिंग वो था वो बहुत ज़्यादा था। और अगर एक दो दिन बाद की बात करूँगा मैं तो इनकी वॉचिंग जो उसका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं, और मुझे लगता है कि इनको अगर पब्लिक ज़्यादा वो करेगी तो इसे वाइल्ड कार्ड के थ्रू अंदर वापस लेंगे। और स्क्रिप्टेड होता है तो मुझे ये भी लगता है कि हाँ, पुनीत भाई से इन्होंने जबरदस्ती ये सारे बुलवाई होंगी और पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री ये लोग दे देंगे। तब तक के लिए